विवादित परिसर में दीपोत्सव के लिए विश्व हिंदू परिषद को अनुमति नहीं मिली। वहीं विश्व हिंदू परिषद विवादित परिसर में दीपदान अनुमति नहीं कर पाएगा। वहीं राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य महंत कमल नयन दास ने कहा कि परंपरागत उत्सव में नहीं होगी कोई कमी, नए काम के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेनी होगी परमिशन। वहीं विहिप के प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने कहा है कि संतों ने रिसीवर कमिश्नर मनोज मिश्रा से मुलाकात की। वहीं दीपक जलाने की मांगी अनुमति, कमिश्नर ने दिया सुप्रीम कोर्ट के यथास्थिति का हवाला। वहीं समिति के अध्यक्ष कन्हैया दास ने कहा कि जब सरकार ही दीपोत्सव मना रही है तो रामलला में सम्मुख दीपोत्सव मनाने में क्या हर्ज है, हम लोग कानून व्यवस्था व प्रशासन के साथ में हैं। मंडला आयुक्त मनोज कुमार मिश्रा ने सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देते हुए मना कर दिया। मंडलायुक्त ने कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इस दौरान किसी भी नए आयोजन की अनुमति बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के नहीं दी जा सकती। विश्व हिंदू परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल आज मंदिर के रिसीवर कमिश्नर मनोज मिश्रा से दीपावली के दिन 27 अक्टूबर को विवादित परिसर में दीपदान के लिए अनुमति मांगी थी। प्रतिनिधि मंडल में मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास व संत समिति के अध्यक्ष महंत कन्हैया दास, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा व पार्षद रमेश दास सहित कई अन्य संत भी मौजूद रहे। आपको मैं क्या मान कमिश्नर साहब ने हम लोगों के जो मांग था उस पर उन्होंने गंभीरता से विचार किया, सोचा समझा और कहा कि हर संभव प्रशासन आपको मदद करेगा, भगवान के यहाँ दीप जलाया जाएगा। जब सारी अयोध्या में दीपावली मनाई जाती है तो वहाँ भी मनाई जाएगी, मनाई जाती है उस परंपरा में, कुछ विशेष के लिए हम सोचेंगे और संतों में उल्लास है कि प्रशासन हमारे साथ है और दीप महोत्सव हम लोग धूमधाम से मनाएंगे, पूरे अयोध्या नगरी में मनाएंगे, जिसका प्रकाशन पूरे विश्व में होगा कि अयोध्या आज आलोकित है, प्रसन्न है, रामलला के पास भी दीपक जलाया जाएगा। प्रशासन ने हमारी मांग को सुना, मुझे उम्मीद है कि हमें अनुमति मिलेगी। जय श्री राम। उनकी बातें स्वागत जग है, योग्य है, लेकिन उन्हें संवैधानिक अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरा रामलला वहाँ बैठे हैं, हमारी पूजा होती है, राग भोग होता है, समैया उत्सव मनाया जाता है, तो दीप क्यों नहीं जलाया जाएगा? लेकिन वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाती है तो नमाज कैसे पढ़ी जाएगी? उनको गैर कानूनी कथन है, हमारा कानूनी कथन है, हमारा संवैधानिक अधिकार बनता है कि हमारा रामलला बैठे हैं तो वहाँ पूजा होगी, आरती होगी, तो दीप क्यों नहीं जलाया जाएगा? कमिश्नर साहब ने कहा परंपरागत जो उत्सव चल रहा है वो बढ़िया से चलता चलेगा, आश्वासन अच्छा ही दिया। ठीक है, अनुमति वही बताया ना कि उनका कहना है कि परंपरागत जो चल रहा है हम लोग उसका पालन बड़े ढंग से करेंगे, कर रहे हैं और करेंगे, होगा दीपोत्सव कोई बात नहीं। अभी तो कोई ऐसी बात नहीं कि जबरदस्ती हम लोग प्रशासन ने सहयोग के लिए कहा है कि हम सहयोग करेंगे। जलाएंगे आप लोग? अभी तो कहा कि मैं जो भी चल रहा है परंपरागत वो चलेगा, बाकी न्यायालय से आपको न्यायालय से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमने कहा कि हम परंपरागत जो उत्सव हो रहा है होगा, सब कुछ होगा, ऐसी तो बात है। पहले से परंपरा है विवादित परिसर में, बिल्कुल वहाँ दीप जलाया जाता है, दीप जलेगा, होली मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, रामनवमी मनाई। जो लोग उससे मिले और उन्होंने एक अपनी बात रखी है उसको लेकर के मैंने उनको स्पष्ट किया है कि प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और जो व्यवस्थाएं वहाँ परंपरागत रूप से माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में चल रही हैं उससे भिन्न अन्यथा कोई चीज़ यदि कोई भी पक्षकार करना चाहता है तो उसके लिए उसे माननीय न्यायालय में ही अनुकोष प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ये मैंने उनको स्पष्ट किया। प्रशासन वहाँ नहीं, पूजा अर्चन की जो व्यवस्था
एक व्यवस्था है जो यथा स्थिति के क्रम में वो चलती है। प्रत्येक पर्व पे वहाँ भी जो व्यवस्थाएं अन्य मंदिरों में होती हैं वहाँ भी होती हैं। तो वो परंपरागत व्यवस्था से भिन्न, मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ कि उस परंपरागत व्यवस्था से भिन्न अन्यथा कोई भी व्यवस्था है तो संबंधित पक्ष को माननीय न्यायालय में ही उसके अनुतोष प्राप्ति करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उसी से उसका समाधान उनको प्राप्त हो सकता है। इस स्तर से उसका कोई समाधान नहीं है। सर, आदरणीय कमिश्नर साहब ने जो है हम सबको आश्वस्त किया है कि हम दीपोत्सव का जो कार्यक्रम होता है, अनवरत चलता आ रहा है, उसका कहीं ना कहीं हम, लेकिन हम सबकी मांग दीपोत्सव का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जाए। जिस प्रकार से 3 वर्षों से लगातार शासन के द्वारा जो है दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में होता रहा है, ठीक उसी प्रकार से रामलला के दरबार में भी होना चाहिए, क्योंकि लंका पर विजय के उपरांत जो है भगवान श्री राम अयोध्या पधारे और विश्व ने जो है विश्व को आलोकित करने के लिए दीपोत्सव का कार्यक्रम जगह जगह पर होता रहा, घर घर मठ मंदिरों में। तो स्वाभाविक है कि रामलला की जन्मभूमि जहाँ पर है वहाँ पर भी दीपोत्सव का कार्यक्रम हो और हमारे भी एक हमारी श्रद्धा जो है उसको निवेदित करने का प्रयास हम करेंगे। तो इस संबंध में जो हम सब मिले थे और आज पूज्य संतों ने जो है उनसे निवेदन किया है कि हमारी भावनाओं का भी आदर करिए, सम्मान करिए और हमें भी अनुमति दीजिए ताकि हम वहाँ पर करें। लेकिन कमिश्नर साहब ने कहा कि हम इस पर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, उसके बाद जो होगा हम बताएंगे। एक कि अगर दीपोत्सव नहीं हो सकता है हम लोगों के द्वारा तो हमसे दीपदान भी करा लीजिए, प्रशासन ही उसको दीपक जलवा दे। बस इतना निवेदन करने आए थे, उन्होंने स्वीकार किया है, आगे वो जो बताएंगे वैसा हम लोग करेंगे।